नमस्कार, इजी लर्निंग ट्रे जूनियर में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी कर्मों का फल। मुझे हमेशा आदमियों के परखने की सनक रही है और अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि यह अध्ययन जितना मनोरंजक, शिक्षाप्रद और उद्घाटनों से भरा हुआ है उतना शायद और कोई अध्ययन न होगा। लेकिन अपने दोस्त लाला साईं दयाल से बहुत अरसे तक दोस्ती और बेतकल्लुफी के संबंध रहने पर भी मुझे उनकी थाह न मिली। मुझे ऐसे दुर्बल शरीर में ज्ञानियों की सी शांति और संतोष देखकर आश्चर्य होता था, जो एक नाजुक पौधे की तरह मुसीबतों के झोंकों में भी अचल और अटल रहता था। ज्यों वह बहुत ही मामूली दर्जे का आदमी था जिसमें मानव कमजोरियों की कमी न थी। वह वादे बहुत करता था लेकिन उन्हें पूरा करने की जरूरत नहीं समझता था। वह मिथ्याभाषी न हो लेकिन सच्चा भी न था। बेमुरौवत न हो लेकिन उसकी मुरौवत छिपी रहती थी। उसे अपने कर्तव्य पर पाबंद रखने के लिए दबाव और निगरानी की जरूरत थी। किफायत शारी के उसूलों से बेखबर, मेहनत से जी चुराने वाला, उसूलों का कमजोर, एक ढीला ढाला मामूली आदमी था। लेकिन जब कोई मुसीबत सिर पर आ पड़ती तो उसके दिल में साहस और दृढ़ता की वह जबरदस्त ताकत पैदा हो जाती थी, जिसे शहीदों का गुण कह सकते हैं। उसके पास न दौलत थी न धार्मिक विश्वास, जो ईश्वर पर भरोसा करने और उसकी इच्छाओं के आगे सिर झुका देने का स्रोत है। एक छोटी सी कपड़े की दुकान के सिवाय कोई जीविका न थी। ऐसी हालतों में उसकी हिम्मत और दृढ़ता का स्वा कहूं छिपा हुआ है, वहां तक मेरी अन्वेषण दृष्टि नहीं पहुंचती थी। बाप के मरते ही मुसीबतों ने उस पर छापा मारा। कुछ थोड़ा सा कर्ज विरासत में मिला, जिसमें बराबर बढ़ते रहने की आश्चर्यजनक शक्ति छिपी हुई थी। बेचारे ने अभी बरसी से छुटकारा नहीं पाया था कि महाजन ने नालिश की और अदालत के तिलिस्मी अहाते में पहुंचते ही यह छोटी सी हस्ती इस तरह फूली जिस तरह मशक फलती है। डिग्री हुई, जो कुछ जमा जथा थी, बर्तन भौड़े, होंडी तवा, उसके गहरे पेट में समा गए। मकान भी न बचा। बेचारे मुसीबतों के मारे साईं दयाल का अब कहीं ठिकाना न था। कौड़ी कौड़ी को मोहताज, न कहीं घर न बार। कई कई दिन फाके से गुजर जाते। अपनी तो खैर उन्हें जरा भी फिक्र न थी, लेकिन बीवी थी, दो तीन बच्चे थे, उनके लिए तो कोई न कोई फिक्र करनी पड़ती थी। कुनबे का साथ और यह बेसरोसामानी बड़ा दर्दनाक दृश्य था। शहर से बाहर एक पेड़ की छौह में यह आदमी अपनी मुसीबत के दिन काट रहा था। सारे दिन बाजारों की खाक छानता। आह, मैंने एक बार उस रेलवे स्टेशन पर देखा। उसके सिर पर एक भारी बोझ था। उसका नाजुक सुख सुविधा में पला हुआ शरीर पसीना पसीना हो रहा था। पैर मुश्किल से उठते थे, दम फूल रहा था, लेकिन चेहरे से मर्दाना हिम्मत और मजबूत इरादे की रोशनी टपकती थी। चेहरे से पूर्ण संतोष झलक रहा था। उसके चेहरे पर ऐसा इत्मीनान था कि जैसे यही उसका बाप दादों का पेशा है। मैं हैरत से उसका मुंह ताकता रह गया। दुख में हमदर्दी दिखलाने की हिम्मत न हुई। कई महीने तक यही कैफियत रही। आखिरकार उसकी हिम्मत और सहन शक्ति उसे इस कठिन दुर्गम घाटी से बाहर निकल लाई। थोड़े ही दिनों के बाद मुसीबतों ने फिर उस पर हमला किया। ईश्वर ऐसा दिन दुश्मन को भी न दिखलाए। मैं एक महीने के लिए बंबई चला गया था। वह से लौटकर उससे मिलने गया। आह, वह दृश्य याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल डर से कांप उठता है। सुबह का वक्त था। मैंने दरवाजे पर आवाज दी और हमेशा की तरह बेतकल्लुफ अंदर चला गया। मगर वह साईं दयाल का वह हंसमुख चेहरा, जिस पर मर्दाना हिम्मत की ताजगी झलकती थी, नजर न आया। मैं एक महीने के बाद उनके घर जाऊं और वह आंखों से रोते लेकिन होंठों से हंसते दौड़कर मेरे गले लिपट न जाए। जरूर कोई आफत है। उसकी बीवी सिर झुकाए आई और मुझे उसके कमरे में ले गई। मेरा दिल बैठ गया। साईं दयाल एक चारपाई पर मैले कुचैले कपड़े लपेटे, आंखें बंद किए, बड़ा दर्द से कराह रहा था। जिस्म और बिछौने पर मक्खियों के गुच्छे बैठे हुए थे। आहट पाते ही उसने मेरी तरफ देखा। मेरे जिगर के टुकड़े हो गए, हड्डियों का ढोंचा रह गया था। दुर्बलता की इससे ज्यादा सच्ची और करुणा तस्वीर नहीं हो सकती। उसकी बीवी ने मेरी तरफ निराशा भरी आंखों से देखा। मेरी आंसू भर आए। उस सिमटे हुए ढोंचे में बीमारी को भी मुश्किल से जगह मिलती होगी, जिंदगी का क्या जिक्र। आखिर मैंने धीरे पुकारा। आवाज सुनते ही वह बड़ी बड़ी आंखें खुल गईं, लेकिन उनमें पीड़ा और शोक के आंसू न थे,
संतोष और ईश्वर पर भरोसे की रोशनी थी और वह पीला चेहरा, वह गंभीर संतोष का मौन चित्र, वह संतोषमय संकल्प की सजीव स्मृति। उसके पीलेपन में मर्दाना हिम्मत की लाली झलकती थी। मैं उसकी सूरत देखकर घबरा गया। क्या यह बुझते हुए चिराग की आखिरी झलक तो नहीं है? मेरी सहमी हुई सूरत देखकर वह मुस्कुराया और बहुत धीमी आवाज में बोला, तुम ऐसे उदास क्यों हो? यह सब मेरे कर्मों का फल है। मगर कुछ अजब बदकिस्मत आदमी था, मुसीबतों को उससे कुछ खास मोहब्बत थी। किसे उम्मीद थी कि वह उस प्राणघातक रोग से मुक्ति पाएगा? डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, मौत के मुंह से निकल आया। अगर भविष्य का जरा भी ज्ञान होता तो सबसे पहले मैं उसे जहर दे देता। आह, उस शोकपूर्ण घटना को याद करके कलेजा मुंह को आता है। धिक्कार है इस जिंदगी पर कि बाप अपनी आंखों से अपनी इकलौते बेटे का शोक देखे। कैसा हंसमुख, कैसा खूबसूरत होनहार लड़का था, कैसा सुशील, कैसा मधुरभाषी। जालिम मौत ने उसे छोंट लिया। प्लेग की दुहाई मची हुई थी। शाम को गिल्टी निकली और सुबह को कैसी मनहूस अशुभ सुबह थी। वह जिंदगी सवेरे के चिराग की तरह बुझ गई। मैं उस वक्त उस बच्चे के पास बैठा हुआ था और साईं दयाल दीवार का सहारा लिए हुए खामोशा आसमान की तरफ देखता था। मेरी और उसकी आंखों के सामने जालिम और बेरहम मौत ने उस बच्चे को हमारी गोद से छीन लिया। मैं रोते हुए साईं दयाल के गले से लिपट गया। सारे घर में कोहराम मचा हुआ था। बेचारी मौ पछाड़े खा रही थीं, बहनें दौड़ दौड़ कर भाई की लाश से लिपटती थीं, और जरा देर के लिए ईर्ष्या ने भी संवेदना के आगे सिर झुका दिया था। मोहल्ले की औरतों को आंस बहाने के लिए दिल पर जोर डालने की जरूरत न थी। जब मेरे आंसू थमे तो मैंने साईं दयाल की तरफ देखा। आंखों में तो आंसू भरे हुए थे। आह, संतोष का आंखों पर कोई बस नहीं, लेकिन चेहरे पर मर्दाना दृढ़ता और समर्पण का रंग स्पष्ट था। इस दुख की बाढ़ और तूफानों में भी शांति की नया उसके दिल को डूबने से बचाए हुए थी। इस दृश्य ने मुझे चकित नहीं स्तंभित कर दिया। संभावनाओं की सीमाएं कितनी ही व्यापक हों, ऐसी हृदयद्रावक स्थिति में होश हवास और इत्मीनान को कायम रखना उन सीमाओं से परे है। लेकिन इस दृष्टि से साईं दयाल मानव नहीं, अतिमानव था। मैंने रोते हुए कहा, भाई साहब, अब संतोष की परीक्षा का अवसर है। उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, हां, यह कर्मों का फल है। मैं एक बार फिर भौचक होकर उसका मुंह ताकने लगा, लेकिन साईं दयाल का यह तपस्वियों जैसा धैर्य और ईश्वरेच्छा पर भरोसा अपनी आंखों से देखने पर भी मेरे दिल में संदेह बाकी थे। मुमकिन है जब तक चोट ताजी है सब्र का बांध कायम रहे, लेकिन उसकी बुनियादें हिल गई हैं, उसमें दरारें पड़ गई हैं। वह अब ज्यादा देर तक दुख और शोक की झरों का मुकाबला नहीं कर सकता। क्या संसार की कोई दुर्घटना इतनी हृदय द्रावक, इतनी निर्मम, इतनी कठोर हो सकता है? संतोष और दृढ़ता और धैर्य और ईश्वर पर भरोसा, यह सब उस आंधी के समान घास फूस से ज्यादा नहीं। धार्मिक विश्वास तो क्या, अध्यात्म तक उसके सामने सिर झुका देता है। उसके झोंके आस्था और निष्ठा की जड़ें हिला देते हैं। लेकिन मेरा अनुमान गलत निकला। साईं दयाल ने धीरज को हाथ से न जाने दिया। वह बदस्तूर जिंदगी के कामों में लग गया। दोस्तों की मुलाकातें और नदी के किनारे की सैर और तफरीह और मेलों की चहल पहल, इन दिलचस्पियों में उसके दिल को खींचने की ताकत अब भी बाकी थी। मैं उसकी एक एक क्रिया को, एक एक बात को गौर से देखता और पढ़ता। मैंने दोस्ती के नियम कायदों को भुलाकर उसे उस हालत में देखा जहां उसके विचारों के सिवा और कोई न था। लेकिन उस हालत में भी उसके चेहरे पर वही पुरुषोचित धैर्य था और शिकवे शिकायत का एक शब्द भी उसकी जबान पर नहीं आया। इसी बीच मेरी छोटी लड़की चंद्रमुखी निमोनिया की भेंट चढ़ गई। दिन के धंधे से फुर्सत पाकर जब मैं घर पर आता और उसे प्यार से गोद में उठा लेता तो मेरे हृदय को जो आनंद और आत्मिक शक्ति मिलती थी उसे शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता। उसकी अदाएं सिर्फ दिल को लुभाने वाली नहीं, गम को भुलाने वाली हैं। जिस वक्त वह हुमक कर मेरी गोद में आती तो मुझे तीनों लोक की संपत्ति मिल जाती थी। उसकी शरारतें कितनी मनमोहक थीं। अब हुक्के में मजा नहीं रहा, कोई चिलम को गिराने वाला नहीं। खाने में मजा नहीं आता, कोई थाली के पास बैठा हुआ उस पर हमला करने वाला नहीं। मैं उसकी लाश को गोद में लिए बिलख बिलख कर रो रहा था। यही जी चाहता था कि अपनी जिंदगी का खात्मा कर दूं। यकायक मैंने साईं दयाल को आते देखा। मैंने फौरन आंसू पोंछ डाले और उस नन्ही सी जान को जमीन पर लिटाकर बाहर निकल आया।
उस धैर्य और संतोष के देवता ने मेरी तरफ संवेदनशील की आंखों से देखा और मेरे गले से लिपटकर रोने लगा। मैंने कभी उसे इस तरह चीखें मारकर रोते नहीं देखा। रोते रोते उसी हिचकियों बंध गईं, बेचैनी से बेसुध और बेहार हो गया। यह वही आदमी है जिसका इकलौता बेटा मरा और माथे पर बल नहीं आया। ये कायापलट क्यों? इस शोकपूर्ण घटना के कई दिन बाद, जबकि दुखी दिल संभलने लगा, एक रोज हम दोनों नदी की सैर को गए। शाम का वक्त था। नदी कहीं सुनहरी, कहीं नीली, कहीं काली, किसी थके हुए मुसाफिर की तरह धीरे धीरे बह रही थी। हम दूर जाकर एक टीले पर बैठ गए, लेकिन बातचीत करने को जी ना चाहता था। नदी के मौन प्रवाह ने हमको भी अपने विचारों में डुबो दिया। नदी की लहरें विचारों की लहरों को पैदा कर देती हैं। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि प्यारी चंद्रमुखी लहरों की गोद में बैठी मुस्कुरा रही है। मैं चौंक पड़ा और अपने आंसुओं को छिपाने के लिए नदी में मुंह धोने लगा। साईं दयाल ने कहा, भाई साहब, दिल को मजबूत करो, इस तरह कुढ़ोगे तो जरूर बीमार हो जाओगे। मैंने जवाब दिया, ईश्वर ने जितना संयम तुम्हें दिया है उसमें से थोड़ा सा मुझे भी दे दो, मेरे दिल में इतनी ताकत कहो। साईं दयाल मुस्कुराकर मेरी तरफ ताकने लगे। मैंने उसी सिलसिले में कहा, किताबों में तो दृढ़ता और संतोष की बहुत सी कहानियों पढ़ी हैं, मगर सच मानो कि तुम जैसा दृढ़, कठिनाइयों में सीधा खड़ा रहने वाला आदमी आज तक मेरी नजर से नहीं गुजरा। तुम जानते हो कि मुझे मानव स्वभाव के अध्ययन का हमेशा से शौक है, लेकिन मेरे अनुभव में तुम अपनी तरह के अकेले आदमी हो। मैं यह न मानूंगा कि तुम्हारे दिल में दर्द और घुलावट नहीं है, उसे मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। फिर इस ज्ञानियों जैसे संतोष और शांति का रहस्य तुमने कहां छिपा रखा है? तुम्हें इस समय यह रहस्य मुझसे कहना पड़ेगा। साईं दयाल कुछ सोच विचार में पड़ गया और जमीन की तरफ ताकते हुए बोला, यह कोई रहस्य नहीं, मेरे कर्मों का फल है। यह वाक्य मैंने चौथी बार उसकी जबान से सुना और बोला, जिन कर्मों का फल ऐसा शक्तिदायक है, उन कर्मों की मुझे भी कुछ दीक्षा दो, मैं ऐसे फलों से क्यों वंचित रहूं? साईं दयाल ने व्यथापूर्ण स्वर में कहा, ईश्वर न करे कि तुम ऐसा कर्म करो और तुम्हारी जिंदगी पर उसका काला दाग लगे। मैंने जो कुछ किया है वह मुझे ऐसा लज्जाजनक तुम होता है कि उसकी मुझे जो कुछ सजा मिले मैं उसे खुशी के साथ झेलने को तैयार हूं। आह, मैंने एक ऐसे पवित्र खानदान को, जो मेरा विश्वास और मेरी प्रतिष्ठा थी, अपनी वासनाओं की गंदगी में लिथेड़ा, और एक ऐसे पवित्र हृदय को जिसमें मोहब्बत का दर्द था, जो सौंदर्य वाटिका की एक अनोखी नई खिली हुई कली थी और सच्चाई थी, उस पवित्र हृदय में मैंने पाप और विश्वासघात का बीज हमेशा के लिए बो दिया। यह पाप है जो मुझसे हुआ है और उसका पल्ला उन मुसीबतों से बहुत भारी है जो मेरे ऊपर अब तक पड़ी हैं या आगे चलकर पड़ेंगी। कोई सजा, कोई दुख, कोई क्षति उसका प्रायश्चित नहीं कर सकती। मैंने सपने में भी न सोचा था कि साईं दयाल अपने विश्वासों में इतना दृढ़ है। पाप हर आदमी से होते हैं। हमारा मानव जीवन पापों की एक लंबी सूची है। वह कौन सा दामन है जिस पर यह काले दाग न हो? लेकिन कितने ऐसे आदमी हैं जो अपने कर्मों की सजाओं को इस तरह उदारतापूर्वक मुस्कराते हुए झेलने के लिए तैयार हों? हम आग में कूदते हैं लेकिन जलने के लिए तैयार नहीं होते। मैं साईं दयाल को हमेशा इज्जत की निगाह से देखता हूं। इन बातों को सुनकर मेरी नजरों में उसकी इज्जत तिगुनी हो गई। एक मामूली दुनियादार आदमी के सीने में एक फकीर का दिल छिपा हुआ था जिसमें ज्ञान की ज्योति चमकती थी। मैंने उसकी तरफ श्रद्धापूर्ण आंखों से देखा और उसके गले से लिपटकर बोला, साईं दयाल, अब तक मैं तुम्हें एक दृढ़ स्वभाव का आदमी समझता था, लेकिन आज मालूम हुआ कि तुम उन पवित्र आत्माओं में हो जिनका अस्तित्व संसार के लिए वरदान है। तुम ईश्वर के सच्चे भक्त हो और मैं तुम्हारे पैरों पर सिर झुकाता हूं। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी कर्मों का फल।